अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे इस तरह के हिजाब इनर कैप, जिसका बनाना बहुत ही आसान है। तो बहुत कम कपड़े में तैयार किया जाएगा और बहुत ही आसानी से। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। चलो इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये इनर कैप बनाने के लिए हमारे पास दो छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी आधा मीटर कपड़े में ये तैयार होगा, लेकिन हमारे पास ये छोटे टुकड़े थे तो इससे ही हम बना लेते हैं। चलो देखते हैं इसकी कटिंग को। ये हम कपड़ा लिए हैं जो कि हमारी इसकी लंबाई है 21 इंच और इसकी चौड़ाई है 7 इंच, लेकिन ये कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है इस तरह से। यहाँ से बंद हिस्सा है ये अपना और ये इस तरह से है, तो हम इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों, ये कपड़ा 4 फोल्ड हो चुका है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे ये बंद हिस्से की तरफ से हम निशान लेंगे। यहाँ पे 3 इंच हम निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ से हम ये खुले हुए हिस्से की तरफ से इस पर हम निशान लगाएंगे 9 इंच पे। फिर उसके बाद हम इसको शेप में इस तरह से निशान लगा देंगे थोड़ा सा। इस तरह से ये निशान लग जाएगा और यहीं से हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद दूसरा टुकड़ा लेंगे। बीस की ये कटिंग हो चुकी है तो इसको हटा लेते हैं। उसके बाद ये कपड़ा लिए हैं तो ये कपड़ा हमारा डबल है और उसके बाद हम लिए हैं इसकी लंबाई, जैसे 9 इंच इसमें लिए थे तो ये 9 इंच है और उसके बाद ये 3 इंच है और ये जैसे हमारा यहाँ पे ये लगेगा तो ये 9 इंच है। उसके बाद हम इसको शेप दिए हैं इस तरीके से, गोलाई का शेप दे दिए हैं ये यहाँ पे, तरह से इस कपड़े का शेप इस पर लगे हैं। ये बंद हिस्सा है तो खुले हिस्से की तरफ ऐसा गया है, तो हम इसी हिस्से पर कटिंग कर देंगे। अभी हम एक और कपड़ा लिए हैं जो 4 इंच चौड़ा है और इसकी लंबाई हमारी ये है 15 इंच तक ले सकते हैं, ये 14.5 तक है और इसको हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे तो ये हमारे बंधन का हिस्सा है। यहाँ पे ये लगेगा इस तरह से और ये इसकी इसमें ऐसा गोलाई जैसा जो है शेप इसमें लगेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हम ये हिस्से को, ये जो शेप कटिंग किए थे, यहाँ पर सिलाई लगाएँगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब ये इसकी सिलाई जो बताए थे यहाँ पे लगाने के लिए, जो क्रॉस हिस्सा कटा है दोनों तरफ उसको लगा रहे हैं। इस तरह से हम इसकी मजबूती के लिए इसको डबल कर देंगे। इसी तरह हम दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इस पट्टी की हम सिलाई लगाएंगे यहाँ से और यहाँ तक इस तरह सिलाई लगा लेंगे। तो ये हम चौड़े हिस्से को ऊपर रखेंगे तो चौड़े हिस्से पर सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ से और यहाँ तक लगा देंगे और हिस्सा खुला रखेंगे सीधा करने के लिए। इसी तरह हम दोनों पट्टियों पर सिलाई लगा लेंगे। ये रही हमारी सिलाई इस पर। इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे मजबूती के लिए। इन दोनों पट्टियों पर सिलाई लग चुकी है, उसके बाद हम इन पट्टियों को इस तरह अंदर डालते हुए सीधा कर लेंगे। ऐसा करते हुए पूरी दोनों पट्टी को हम सीधा करके उसमें लगाएंगे। अभी ये दोनों बंधनों को हमने सीधा कर लिया, उसके बाद हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। जैसे ये हिस्सा अभी सिलाई किए थे तो ये थोड़ा सा हिस्सा जो बचा है सीधा हिस्सा, तो उसके अंदर हम इसको डालेंगे इस तरह पूरा डालते हुए लास्ट में। बंधन को हम इसके अंदर डाल चुके हैं, उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से सीधी। ये हम इस तरह सीधा सिलाई लगाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद इसको एक मजबूती के लिए एक बार और सिलाई लगा लेंगे इस तरह। दूसरी साइड भी हम खुला हिस्सा जो है उसके अंदर बंधन को डाल देंगे और ऊपरी हिस्से पर यहाँ बराबर करके और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अभी हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से, ये ऐसा करके बंधन को सामने की तरफ और दूसरे को भी। सीधा होने के बाद कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, इधर से ये बंधन और इधर से लगा हुआ है। और उसके बाद ये जो कपड़ा था गुलाई शेप में कटा था, हम इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद ये बीच के हिस्से पे चटका लगाए हैं और इसके बीच के हिस्से पे चटका लगा है। फिर उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे पर रखेंगे और उसके बाद ये हम इस पर सिलाई इस तरह से लगाते चले जाएँगे बराबर बराबर करते हुए। कपड़े यहाँ जहाँ लास्ट होगा फिर यहीं से हम लास्टिक इसमें लगाएंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी घुमा के इसी तरह पूरा लगा लेंगे।
ये गुलाई इस तरह से जॉइंट हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सामने का हिस्सा है इस तरह से, और ये पीछे का हिस्सा है। और इसमें जो ये कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा आधा इंच और ज़्यादा था, हमने कटिंग कर दिए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार, और उसके बाद हम इस पर ये हिस्से पर लास्टिक रखेंगे। 3.5 इंच लंबी लास्टिक है, यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और एक इस हिस्से पे लगा देंगे। फिर उसके बाद ये दूसरा हिस्सा हम इसमें लाके फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस पर हेवी सिलाई लगा ली है कपड़े को एक बार फोल्ड करके, फिर इस पर यानी लास्टिक को लगा लिया। अब इस लास्टिक को हम खींच कर इस तरह से सीधा करते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से कपड़े को खींचते हुए लास्टिक को हम कपड़े को बराबर करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। अब इस तरह से यहाँ पे साइड पे मजबूती कर लेंगे सिलाई की। देखो दोस्तों, हमारा हिजाब इनर कैप बनकर तैयार हो चुका है, जो बहुत ही कम वक्त में और बहुत कम कपड़े में आसानी से बनाने की कोशिश की है आप लोगों के सामने। उम्मीद है कि आप सबको इसकी कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल को सपोर्ट मिल सके। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।